क्या सोच रही होगी गुरुदेव भगवान की, भगवती की क्या प्रेरणा रही होगी। सबको बहुत बहुत बधाई। पीछे चल रही है भक्ति की एवं त्रिपुर सुंदरी की सत्य की उपासना की। पूर्व में भी महापुरुषों ने बहुत सारे अपने अपने अनुभव अपने गुरुओं की कृपा के माध्यम से परंपरागत आप सबके बीच लाए हैं। इस सभा मंडप में बैठे सभी भक्तगणों को संचार के माध्यम से जिसके माध्यम भी आवाज आ रही है, बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, गुरुओं को बताए मार्ग पर चल करके अपनी परंपराओं को गुरुओं द्वारा दी हुई शिक्षा को पालन करें, आपका जीवन निसंदेह कल्याण होगा और भगवती आपका सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। पूर्व में मैंने कहा था भगवती माँ है, जगत जननी है, सिर्फ आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव के आशीष लेकर के परम पूज्य बाबा जी के आशीष लेकर के सिर्फ उस दरबार पे जाइए, माँ को पता रहता कि मुझे बालक को क्या देना है। यह बालक याचक नहीं बन के आया हुआ है, इसके कल्याण के लिए, इसके भक्ति के लिए, प्रशस्त मार्ग के लिए, परिवार के समृद्धि सुखी के लिए क्या मुझे करना है। महाराज श्री कहते थे सिर्फ तुम आओ, देना उनका काम है, वो शक्ति का काम है, वो जननी का काम है, वो माँ का काम है। आपके भी घर में अगर बालक है, अपने खर्च की जरूरत पड़ती है तो अपने पिता से कहता है, खाने की जरूरत पड़ती तो बाल्य अवस्था में अपनी माँ के पास जाता है, तभी वो समझ पाते कि बालक को कुछ देना है। हमको भी इस दरबार में गुरुदेव के सानिध्य में और माँ भगवती के चरणों में जब आकर के शीश नवाएंगे, आपकी झोली कभी खाली नहीं जाएगी। यही आपकी इस 71 से झंडारोहण समारोह का उत्सव का आप सबके झोली भरेगी माँ भगवती, मुझे पूर्ण आस्था है और विश्वास है, परंतु आपको आना पड़ेगा। सत्य की उपासना आप आपको नहीं आता पद्धति कोई बात नहीं, किसी गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके, किसी महापुरुष के साथ बैठ करके, किसी आचार्य के साथ बैठ करके आप उसको सीख सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं, उस परंपरा को जान सकते हैं। परंपरा में कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे चीजें हैं, शुद्धता, समर्पण, आसन, प्राणायाम, पूजा पाठ की पद्धति, भगवती को क्या प्रिय है वही तो है। आप जब आने लगेंगे, गुरुजनों से जुड़ेंगे, सुयोग्य आचार्य से जुड़ेंगे, आपको स्वतः ही मालूम पड़ेगा, देख करके सीखोगे, कर करके सीखोगे। आजकल एक यंत्र चढ़ पड़ा है, मोबाइल यंत्र, सारा सिस्टम को ही खत्म करके रख दिया है, परंपरा को खत्म करके रख दिया है, उसी में आप सीमित होकर रह गए हैं। उसमें अच्छी चीज भी तो आती है। आप यूट्यूब पर जाइए, भगवती को उपासना पर्व खोलिए, सनातन परंपरा को खोलिए, गुरु परंपराओं को खोलिए, ठाकुर के लीला का वर्णन खोलिए, भागवत खोलिए, देखिए आपको कितना आनंद आएगा। परंतु वो सब आपको अच्छा नहीं लगता है। सदुपयोग करिए, दुरुपयोग ना करिए। आपका सदुपयोग, सदाचार, आपकी भक्ति, आपकी सद्भावना, वही गुरु की कृपा और माँ की कृपा होगी। शास्त्र हमें बहुत आज्ञा देती है, बहुत पूर्ण रहस्य बताती है। दुर्गा सप्तशती आप देखते हैं, नित्य नियम यहां होता है, सभी आश्रमों में, घर में आप लोग करते हैं। भगवती के चरित्र का वर्णन के साथ साथ जो मोबाइल वाली विषय मैंने कही, उस समय भी जो राक्षस थे आपकी उपासना से, आपके कर्म फल से, वो राक्षसों को वध हुआ है, अनेकानेक भोग भगवती को दिलाया गया है, सात्विक भोग जो भगवती को प्रिय है, जो हम सनातन धर्म में होते हैं। भाव आप सब के बीच मेरा यही है कि माता के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में आपको अपने आप को समर्पण कर दीजिए, अपने आप को अर्पित कर दीजिए, आपका सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
वह सनातन धर्म परंपरा की वह नींव, वो गुण रहस्य आपके हृदय पुंज में, आपके हृदय की पुंज में दीपक की लौ की भांति जब प्रकाशित होने लगेगी तो आपको आनंद आने लगेगा। वह आनंद आपको भक्ति मुक्ति सतमार्ग की ओर लेके जाएगी, परंतु आपको जाना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा मंत्र के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, सूत्रावली के माध्यम से आप गुरु को भगवती को अपने को जा सकते हैं। परंतु हम लोग अगर नहीं जाएंगे, उपासना को नहीं करेंगे, उस त्रिपुर सुंदर की भक्ति को, उस रहस्य को, उस गुण मर्मज्ञ को नहीं जानेंगे तो आखिर हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। महाराज श्री ने, आप सब पुराने हैं जो गुरुदेव के सानिध्य में रहे हैं, भगवती के और ठाकुर की लीला को गीता के माध्यम से अनेकानेक इतने सहजता से, सरलता से आप सबके बीच में गुरुदेव भगवान ने दिया हुआ है, तभी तो आप सब इस बगीचे में आनंद के साथ हैं। उस महाराज श्री के आशीष के, उस पुण्य से आप अपने आप को सरोवर कर रहे हैं, भगवती की कृपा से आप लालायित हो रहे हैं, उस आनंद को पाने के लिए, उस भगवती की कृपा के पाने के लिए आप अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। परंतु हमें निरंतर त्रिपुर सुंदर भगवती राजराजेश्वरी माँ काली को, भगवती दुर्गा को, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को, उस पुण्य को, उस कृपा को, उस आनंद को पाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करता रहना होगा। गुरुओं के आचार्यों के सानिध्य में रह करके उस आनंद के बेला को प्राप्त करना होगा, तभी आप सबका कल्याण होगा। और इस ध्वजारोहण पर्व की समापन पर्व और विश्राम के दिवस पर समय भी अपनी गति की ओर है, मेरी समय शायद 2-4 मिनट में आगे हो गया हूँ, था विषय कुछ और रखूँ लेकिन समय की प्रतिबद्धता है, कभी और सही। आप सबके जीवन में महाराज श्री का आशीष, महापुरुषों का आशीष, माँ भगवती की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के पर्व को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब मिल करके आनंद लें। बोले राधा कृष्ण भगवान की, जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माता की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। ओम शांति शांति शांति।